तो अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा सेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? एक बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसलिए इसका साइज व शेप आप सही रूप से याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट है, चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। बैक्टीरिया का साइज मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का साइज मापने के लिए, हम किसका यूज करते हैं? माइक्रो यूनिट का यूज करते हैं, माइक्रो यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। साइज बता पाना कुछ कठिन है, लेकिन जो मोस्टली प्रूफ देखने को मिला है कि जो बैक्टीरिया का साइज है, बैक्टीरिया का साइज कितने से होता है? 1.5 μ से 2 μ तक होता है, ठीक है। 1.5 μ से 2 μ तक होता है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल एटॉमी, ठीक है। तो बैक्टीरियल एनाटॉमी हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या सबसे पहला चीज तो है बैक्टीरियल एनाटॉमी में हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे, कलर चेंज करते हैं। पहला पॉइंट तो हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, क्या चीज? कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद D1 हम जो पढ़ेंगे वो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद ई वाला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बाद, फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला एंड मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। और सबसे लास्ट में ये पॉइंट हम पढ़ेंगे फिली ऑफ बैक्टीरिया, इसके साइज में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, जो चीज हमने लिखी थी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजिला एंड मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फिली ऑफ बैक्टीरिया। ये सारे के सारे पॉइंट हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। चलते चलिए पढ़ते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना वो कितने पार्टों में विभाजित है? 3 पार्टों में, ठीक है। तो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एक सेल वॉल जिसको मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं, एक फिल्म। एंड इन तीनों का काम क्या है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको यह सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की। यहीं पर एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं,
फंजाई की किसकी बनी होती है? वो है काइटिन, किसकी है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया लिख इसलिए लेते हैं कि हमारा टाइम कम बच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है ना, बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है इसका बना होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होती है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है जैसे स्टार्च वगैरह हो गया, इनका पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल। और बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है, बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब प्रोटेक्शन क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, बचाव करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1948 में एक क्लिंजर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैप्सूल को क्या करते एक आकार और घनत्व को बताया। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट था ही। उसके बाद बैक्टीरिया का जो बेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रिएट मतलब उत्सर्जित करने में कौन मदद करता है? कैप्सूल ही मदद करता है। ठीक है, कैप्सूल बैक्टीरिया की रोगजनक क्षमता का निदान करता है। कैप्सूल है तो किस तरीके से रोगजनक क्षमता होती है उसका निर्धारण कौन करता है? कैप्सूल ही करता है। ठीक है, कैप्सूल की मोटाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। कितने मीटर होती है? मोटाई 1.5 मीटर होती है। और ये तो हमें पढ़ के जाएंगे कि बैक्टीरिया की 1.5 से 2 मीटर होता है साइज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है साइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म वो कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे व गाढ़े पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पार्टिकल द्वारा बना रहता है। कौन बना रहता है? बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जिन पार्टिकल द्वारा ये भरा रहता है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, उसे हम बैक्टीरिया राइबोसोम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया राइबोसोम कहते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही इसका डीएनए व आरएनए पाया जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म छोटे छोटे व गाढ़े फैज पार्टिकल होते हैं, जिनको हम पार्टिकल राइबोसोम बोलते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल के साइटोप्लाज्म में ही डीएनए व आरएनए पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जो पढ़ने वाले हैं हम वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। क्या है ये? हम इसको लिख सकते हैं यूनिसेलुलर। ये तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में ही बता दिया था। क्या है? यूनिसेलुलर जीव है। ठीक है, जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसलिए और यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होने के कारण ही क्या होता है? होने के कारण ही ये इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई नहीं देती। आप देख लीजिए, प्रॉपर न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होते हैं, जो फॉल्स न्यूक्लियस पाई जाती है। पहली बात तो पाई कौन सी जाती है? फॉल्स न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, और फॉल्स न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमेटिन साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया का डीएनए व आरएनए भी लिख सकते हैं, व आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही फैला रहता है। ठीक है, कहाँ फैला रहता है? बैक्टीरिया का डीएनए और आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों फैला रहता है?
इसके जो क्रोमेटिन होता है वो साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, इसलिए डीएनए और आरएनए भी कहाँ फैले रहते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का वह भाग जिसके द्वारा बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। अच्छा, हम कह सकते हैं कि जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया की, तो किसमें हेल्प करती है बैक्टीरिया की, फ्लैजिला किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, किसमें, लोकोमोशन में मदद करती है। लोकोमोशन का मतलब है बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह फ्लैजिला की मदद से पहुंचता है। ठीक है, बैक्टीरिया के हम कह सकते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला किसके बने होते हैं, फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। और ये थ्री ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया एनाटॉमी का लास्ट पार्ट है। थ्री ऑफ बैक्टीरिया ये क्या है, बैक्टीरिया एनाटॉमी का लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो जो हमारा पिली है वो क्या है, एक फ्लैजिला की तरह होता है, लेकिन ये होता छोटा है, यह है बैक्टीरिया के, यह बैक्टीरिया के फ्लैजिला भाग से क्या होता है, छोटा होता है। फ्लैजिला भाग से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, फ्लैजिला भाग से क्या होता है, छोटा होता है। और ये देखने में कैसा लगता है, पिली देखने में हेयर्स किसकी तरह, हेयर्स बिल्कुल बालों बालों के समान होता है, किसके समान होता है, बालों के समान होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी संरचना देख ली हमने पिली की कैसे होती है, फ्लैजिला की छोटी होती है, बालों के समान होती है, और जो पिली जो होते हैं, पिली मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं, पिली मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कहाँ देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर, क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। ये लिए बैक्टीरिया की सेल वॉल पर कैसे रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य है दूसरों पर चिपकना, शिकार पर चिपकना। पिली का मुख्य कार्य क्या है, पिली का मुख्य कार्य दूसरे या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पर चिपकना, ये दूसरे पर चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन को फैलाने में मदद करते हैं, फैलाने में मदद करते हैं। ठीक है, और एक और भी है इसका, यह फीडिंग में हेल्प करते हैं, पिली क्या होते हैं, दूसरे पे चिपकेंगे उसका जूस पी जाएंगे निकाल के। पिली बैक्टीरिया को किसमें हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को फीडिंग में हेल्प करते हैं, किसमें, फीडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ये हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।